गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट थ्री लेक्चर्स में हमने हमारा थर्ड लेसन, जिसका नाम है ड्रिंकिंग वाटर, वो स्टार्ट किया था और इसकी रीडिंग काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आज हम इसकी बची हुई रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी। द वॉटर वी गेट इन आवर टैप्स इज सप्लाइड बाई सिविस अथॉरिटीज, कि जो पानी हमें नल के द्वारा सप्लाई किया जाता है वो किसके द्वारा, नागरिक अधिकारियों द्वारा सप्लाई किया जाता है। दे गेट द वाटर क्लीन्ड इन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर सप्लाइंग इट टू आवर होम्स, कि वो क्या करते हैं, पानी का पहले क्या करते हैं, वॉटर ट्रीटमेंट मतलब जल उपचार संयंत्रों के द्वारा उसे साफ करते हैं और फिर हमारे घरों तक सप्लाई करते हैं, भेजते हैं। वाटर इज क्लीन्ड इन दिस प्लांट इन द फॉलोइंग स्टेप्स, कि जो इन प्लांट्स के द्वारा पानी का उपचार किया जाता है वो नीचे दिए गए स्टेप्स के द्वारा किया जाता है। आप ध्यान से देखिए और समझिए कि ये कैसे होता है। सबसे पहले बादलों से बरसात आती है, बरसात का पानी जो है नदी में आता है और नदी के पानी को हम क्या करते हैं, वाटर प्रिपेयर्ड इनटू टैंक्स के अंदर इसको भेजा जाता है। वहां पर क्या करते हैं, फिर इसका फिल्टर करते हैं, जो इसके मोटे मोटे जो मिट्टी के कण होते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। इसके बाद इसको दूसरे टैंक में ले जाया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल बारीक जो मिट्टी के कण होते हैं उनको अलग किया जाता है पानी से। फिर इसके बाद जो पानी है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है, उसके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको अलग किया जाता है। फिर पानी को इस टैंकर में लाया जाता है, जहां पर क्या करते हैं, वाटर को हम हमारे घरों, हॉस्पिटल्स और अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जाता है। तो पानी को इन सभी चरणों से होकर साफ होकर गुजरना पड़ता है और तब जाकर वो हमें हमारे घरों तक सप्लाई किए जाते हैं। अगला है क्लीनिंग वाटर एट होम, कि हम पानी को अपने घर पर कैसे साफ कर सकते हैं। समटाइम्स ड्यू टू लीकेज इन वाटर पाइप्स, की कई बार जो पानी के पाइप होते हैं उनमें कहीं कहीं पर लीकेज हो जाती है। टैप वाटर में आल्सो कंटेन जर्म्स, जिसकी वजह से नल के पानी में भी कीटाणु आ जाते हैं। सो वी शुड क्लीन टैप वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट, तो हमें जो नल का पानी है उसको प्रयोग में लाने से पहले क्या करना होता है, उसे साफ करना पड़ता है। हेयर आर टू वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम्स, कि यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं घर पर पानी को साफ करने के। सबसे पहले है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। बॉइल टैप वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि नल के पानी को कुछ मिनट के लिए उबालना होता है। दिस विल किल द जर्म्स इन इट, यह क्या करता है, इसके अंदर के कीटाणुओं को मार देता है। पास दिस वाटर थ्रू अ वाटर फिल्टर, इस पानी को एक वाटर फिल्टर के द्वारा पास कराया जाता है। द कैंडल इन द फिल्टर रिमूव द डर्ट एक्यूमुलेटेड ऑन टॉप आफ्टर बॉइलिंग, कि इसके अंदर जो एक मोमबत्ती लगी होती है, फिल्टर के अंदर एक मोमबत्ती होती है जो कि इसके ऊपर जमा हुई गंदगी को हटा देती है। वाटर प्यूरिफायर्स का मतलब होता है पानी को शुद्ध करने के संयंत्र, की जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। वाटर एट होम इज सेफली एंड इजिली प्योरिफाइड विद वाटर प्योरिफायर, की पानी को घर पर बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वाटर प्योरिफायर के द्वारा साफ किया जाता है। सम वाटर प्यूरिफायर यूज अल्ट्रा वायलेट रेज टू किल जर्म्स, कि कुछ वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए। वाइल अदर हैव द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, विपरीत परासरण की जो विधि है उसको अपनाते हैं, विच क्लीन वाटर कम्प्लीटली, जो कि पानी को पूरी तरीके से साफ कर देता है।
इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, यह बहुत जरूरी है कि साफ पानी पिया जाए. सो हैंडल क्लीन फिल्टर्ड वाटर प्रॉपरली, अदरवाइज इट मे गेट डर्टी अगेन. इसीलिए हमें साफ पानी को बड़े अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा गंदा हो जाता है. स्टोर वाटर इन ए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, कि पानी को ऐसे ऐसे कंटेनर में जमा करके रखना चाहिए जो कि साफ सुथरा हो और ऊपर से ढका हो. नेवर टच दिस कंटेनर विद डर्टी हैंड्स, और इस कंटेनर को गंदे हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए. सेविंग वाटर, पानी को कैसे बचाना चाहिए. रिफ्यूज वाटर, रीयूज वाटर फ्रॉम किचन इन क्लीनिंग फ्लोर्स एक्सेट्रा, कि जो पानी हम रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं उसे हम दोबारा फर्श धोने इत्यादि के लिए भी रीयूज या दोबारा यूज कर सकते हैं. टर्न ऑफ टैप वाटर टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, कि जब आप दांतों को ब्रश करते हैं तब आप नल को बंद कर दें. टेक ए बाथ विद अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शावर, कि एक शावर की बजाय आपको एक बाल्टी और मग के साथ ही नहाना चाहिए. लीकिंग टैप्स वाटर पाइप्स एंड टैंक्स शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, कि पाइप की कई बार जो हमारा नल होता है वो लीक हो जाता है और वाटर पाइप्स भी या टैंक्स भी लीक हो जाते हैं, जिसे हमें तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए. क्लीन कार बाइसिकल्स एक्सेट्रा यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ होज पाइप, की होज पाइप की जगह जो बड़ा पाइप हम नल पे लगाकर इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह हमें कार बाइसिकल्स इत्यादि को धोने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए. यूज द रेजिडुअल वाटर आफ्टर वॉशिंग एंड क्लीनिंग फॉर वॉटरिंग प्लांट्स, की जब हम उस पानी को हम यूज कर सकते हैं जो धोने और सफाई में प्रयोग होने वाले पानी को हम पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं. आगे है हमारा रिकॉल टाइम, कि जो हमने लेसन में पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, यानी दोबारा याद करते हैं. वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, कि हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, कि ताजे पानी का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा है. डैम्स एंड कैनल्स आर बिल्ट टू कलेक्ट वाटर फॉर इरीगेशन, बांध और नहरों को किस लिए बनाया गया है, खेती के लिए पानी को जमा करने के लिए बनाते हैं. फ्रेश वाटर कैन बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल बरसात के ताजे पानी को जमा करने के लिए किया जाता है. टू ड्रिंक सी वाटर, समुद्र के पानी को पीने के लिए वी नीड टू रिमूव साल्ट फ्रॉम इट थ्रू डिसेलिनेशन, कि जो हमें समुद्र का पानी है उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसमें से नमक को डिसेलिनेशन के द्वारा, वलयीकरण के द्वारा हम नमक को अलग कर सकते हैं. वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज, की पानी जो है अनेक मानव क्रियाओं के द्वारा दूषित होता है. वाटर शुड बी क्लीन्ड एंड फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि पानी को पीने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना और छानना जरूरी होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.